Good morning, students. Yesterday we discussed about the deforestation and degradation of land. Today we'll start with causes of environmental degradation. Degradation kya tha? Jo loss of fertility of land hota hai. Ab wo hota hai to kyun hota hai? We must go through it. So, pehla hai hamara isme. Population explosion, widespread poverty, increasing urbanization, increasing use of insecticide, pesticide, rapid industrialization, multiplicity of transport vehicles, disregard of the civic norms. ये सब हमने last class में prepare और अच्छे से इसको समझ लिया था. अब हम आते हैं एक case में जो है हमारा global warming का. एक बहुत ही easy जो आपका एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सालों से आप पढ़ रहे हैं, एक बार इसको फिर हम रिवाइज करते हैं. व्हाट इज एक्चुअली द ग्लोबल वार्मिंग इज? इट इज अ सिचुएशन रेफरिंग टू अ ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर थैंक्स टू एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन. जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज जो खिलवाड़ जो चीज़ हम ह्यूमंस ने की है दैट इज़ द पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज होता जा रहा है. ओइंग टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में है. द Earth's surface is becoming increasingly warmer, showing a rise of 0.6 degrees Celsius during the past century. तो यही हो रहा है कि जो अर्थ की सर्फेस है उसका जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है. Warming temperature is escalating the melt of polar ice, in turn implying a rise in sea level. अब गर्मी बढ़ती जा रही है तो जितने ग्लेशियर्स हैं पोलर एंड्स जितने हैं वहाँ के सारा आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके जाके वो सी में मर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. कॉन्सिक्वेंटली इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पेयर्ड इन्फ्लिक्टिंग ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज. इसकी वजह से जो इकोलॉजी का बैलेंस था हमारा वो पूरा बिगड़ता जा रहा है. Ultimately, it implies a threat to human life, though poor countries are to be the first and worst sufferers. अब इसकी वजह से क्या होगा? Natural calamities आने की वो chances हैं. ज़्यादा warm होगा, volcano eruption, sea level बढ़ रहा है, tsunami, floods, और भी कुछ issue, earthquakes, tornado. तो ये सब चीज़ें जो हैं हम जितना नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किया उसकी वजह से उसका ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. और इसके सबसे पहले सफरर होंगे पुअर कंट्रीज, क्योंकि उनको इन नेचुरल कैलामिटीज से मीट आउट करने के लिए उनके पास फंड्स भी नहीं होंगे. Next we move on to ozone depletion. What is ozone depletion? This refers to reduction in ozone, a protective layer in the atmosphere. ये हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है उसको एक लेयर है जिसकी वजह से हम जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सन से उससे हमें बचाती है. लेकिन जो वो ओजोन लेयर है उसमें भी अब डिप्लेशन आ रहा है, जगह जगह से वो ओजोन लेयर गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आ रहे हैं. दिस अकर्स ओइंग टू द एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सब्सटेंसेस इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स. आप लोग अगर देखेंगे जो एसी है वो रूम के अंदर तो ठंडा करती है, लेकिन अगर आप बाहर से एसी देखें तो वो बहुत एक गर्म हवा उससे आती है. ठीक है, रेफ्रिजरेटर से सेम केस होता है. तो जो कूलिंग सब्सटेंसेस हमने बनाए हैं इससे जो गर्म हवा आती है, जो वार्म एयर ये एमिट करता है, उसकी वजह से सबसे बड़ा लॉस होता है टू द ओजोन लेयर. एज ओजोन डिप्लीट्स देयर इज ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ विच इज डेंजर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन द रिसेंट पास्ट
Nearly 5% depletion in ozone layer has been recorded, which is an issue of global concern. लेकिन अभी भी humans जो हैं वो नहीं life को समझ रहे हैं, earth की importance को समझ रहे हैं. Next we move on to state of environment in India. अब ये हमने pollution, deforestation, global warming, ओजोन डिप्लेशन, ये सब हमने ग्लोबली एक अर्थ के टर्म्स में पढ़ लिया. अब इंडिया की एनवायरनमेंट का क्या स्टेट है वो हम देखते हैं. इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ऑक्यूपाइंग जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया. एरिया हमारे पास 2.5% है टोटल, जितना भी लैंड है हमारे पास अर्थ पे. लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% इंडिया होल्ड करती है. दिस अलोंग विद द फैक्ट दैट 21.9% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. अब वो जो 18% हम होल्ड करते हैं उसमें से 21.9% पॉपुलेशन हमारे पास वो है जो कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर तक के लिए स्ट्रगल करता है. ओके, पॉइंट्स टू सर्टेन ऑब्वियस एनवायरमेंटल इश्यूज एज दीज. नेचुरल एंडाउमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड, एक्सीडिंग रेट ऑफ इट्स रीजेनरेशन. जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेस का, नेचर का, एनवायरनमेंट का. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. अर्थ है, जितना इसको टाइम लगता है एक वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करने का और अर्थ में उसको मिला के एक मैन्योर या फर्टिलाइजर का रूप देने का, एक प्लास्टिक को 100 साल लगते हैं डीकम्पोज होने में. ठीक है, तो आप सोचिए हम लोग कितना प्लास्टिक वेस्ट हम डिस्पोज करते हैं एनवायरनमेंट में. अब जितनी कैपेसिटी है जो अर्थ है वो एक लिमिट तक ही उस वेस्ट मटेरियल को अब्सॉर्ब कर सकता है और हम उससे ज़्यादा उनको वेस्ट दे रहे हैं. तो वो वेस्ट कैसे अब्सॉर्ब करेगा अगर उसकी लिमिट के ऊपर है? तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन आर पीकिंग अप टू द अलार्मिंग लिमिट्स. पॉल्यूशन का हाल हम देख ही रहे हैं, 2-3 दिन से लखनऊ की अगर आप हवा देखें तो वो क्या है, पूरी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है एयर में हमारे कि धुंध अब दिख रही है. लखनऊ का इवन वॉट जो आपका एयर है उसको बोल दिया गया है कि ब्रीदिंग लायक नहीं है. दिल्ली का सेम केस है. इंडिया सर्टेनली इज इन द मिड्स ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस. नाउ वी मूव ऑन टू the dichotomy of environmental degradation of India, situation of environmental degradation in India. The environmental degradation in India points to a paradoxical situation in the country. It is occurring and expanding owing to its staggering poverty as well as rapid growth of production activity. Degradation kyun ho raha hai? Kyunki production activity zyada se zyada ho raha hai aur एक्सपेंशन हो रहा है पॉपुलेशन का. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रूरल एरियाज. इट इज ओइंग टू पॉवर्टी दैट ट्री फेलिंग बिकम्स ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिक कंपल्शन फॉर द मिलियंस ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज, बट इट लीड्स टू डिफॉरेस्ट्रेशन. रूरल एरिया है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, पेड़ काट के वहाँ पे अपना घर बना के अपनी लोकेलिटी को एक्सपैंड करते हैं. एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द अर्बन एरियाज. इंडस्ट्रियल स्मोक इज पोल्यूटिंग द एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज प्रोड्यूसिंग द वाटर.
इंडस्ट्रीज से एयर निकल रहा है, जो स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस, वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, और उनका जो वेस्ट जो रिवर में सीधे डिकम्पोज किया जाता है, वो जो होता है वाटर को पोल्यूट कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स जो मार्केट में आ गए हैं, रोड्स पर आ गए हैं, उनकी वजह से मैक्सिमम नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन उनकी वजह से भी हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ सॉइल इरोजन इज अ सीरियस कंसर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, इंडिया इज सफरिंग सॉइल इरोजन टू द ट्यून ऑफ नियरली 5 बिलियन टन अ ईयर, implying a colossal loss of nitrogen, phosphorus and potassium, which are the essential ingredients of soil fertility and essential inputs of crop production. ठीक है, जो phosphorus है, nitrogen है, potassium है, जो ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की जब plantation होता है, ताकि जो plantation है वो अच्छे से इम्प्रूव करे, ग्रो करे, वही सब चीज़ें जो हैं वो वॉश ऑफ हो जा रही हैं बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। प्रिंसिपल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया इज लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिसफिकेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। हमें वेजिटेशन के लिए जगह ही नहीं मिल रही है डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से। And desertification refers to spread of desert in arid and semi-arid areas. It occurs due to excessive grazing. बहुत ज़्यादा grazing जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर भी cattle अगर ज़्यादा कहीं पर जाकर grazing कर लेते हैं तो वहाँ पर भी cultivation करना possible नहीं होता। Multiple cropping along with subsistence farming by the small and marginal holders who fail to replenish fertility of the soil. एक ही लैंड को जब रेस्ट ही नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट्स को दोबारा अब्सॉर्ब करने का, तो वो कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन करे? बार बार वो फर्टिलिटी वो लैंड कहाँ से लाए? अभी आपने तुरंत एक चीज़ का कल्टीवेशन ख़त्म किया, तुरंत आपने दूसरी चीज़ों का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, फिर आपने उसके बाद 3 मंथ्स के बाद फिर आपने कोई नया क्रॉप को प्लांट कर दिया, तो आप उस लैंड को रेस्ट भी नहीं दे रहे हो कि वो कहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा, फर्टिलिटी को दोबारा मेंटेन कर पाए। Excessive use of chemical fertilizers, insecticides and pesticides which raise productivity but are a challenge to soil fertility. Insecticide or fertilizers जो हम use करते हैं उसकी वजह से productivity तो बढ़ रही है, लेकिन जो fertility है soil की वो पूरी खराब हो जा रही है। Low water table owing to excessive use of groundwater, हद से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ होना। Soil erosion occurring due to floods and strong winds and soil alkalinity, salinity occurring due to water logging. Erosion जो flood की वजह से, water की वजह से हो रहे हैं, strong winds की वजह से हो रहे हैं, वो भी एक बहुत major issue है जो कि control से बाहर है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि what is global warming, what is the state of environment in India, what is the reason or causes of degradation in India. Now we will move on to how to save environment. Pehla hai social awareness. There is an urgent need to spread social awareness about danger of pollution, the way each individual can combat it. Population control. It is absolutely essential to check rising population if environment is to be protected. Enforcement of Environment Conservation Act. जो Conservation Act है, एक law बना दिया जाए कि जो भी environment को harm करे उसके ऊपर कोई fine, कोई penalty लगा दी जाए। तो इसकी वजह से भी, law के डर से भी, जो pollution है, जो environment के साथ हम लोगों ने इतना ज़्यादा exploitation किया है, वो भी रोका जा सकता है। एफॉरेस्ट्रेशन कैंपेन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के, पौधे लगाने के कैंपेन चलाएं, जैसे कि स्कूल्स में और बहुत से कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में होता है वृक्षारोपण, आप लोगों ने सुना होगा।
जहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है। स्कूल्स में भी बहुत से कैंप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट के लिए कैंप्स होते हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे आके पौधे लगाते हैं, प्लांटेशन, उनको इसका मीनिंग बताया जाता है कि व्हाई देयर इज़ अ नीड टू प्लांट ट्रीज। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है उस पर कंट्रोल करें, उनको कैसे उस वेस्ट को डिकम्पोज करना है इसके लिए एक सोल्यूशन निकालें। वाटर मैनेजमेंट, वाटर हमारे पास लिमिटेड है, उसको कैसे मैनेज करना है ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो वेस्ट हम सीधे सीधे रिवर में फ्लो कर दे रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करें, कहाँ उसको डिकम्पोज करें, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो मरीन लाइफ्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके स्लम्स हैं उनमें कैसे सैनिटेशन किया जाए कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन रहे और पोल्यूशन भी कम से कम वहाँ पे हार्नेस हो। सो टुडे विल एंड अप हियर, टुमारो विल स्टार्ट विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।